इसको तो असलियत का पता नहीं, ये बेचारा अध्यात्म को क्या जाने, ये उस शब्द रस को क्या जाने, और तूने इसका साथ कर लिया। जब से इसके साथ तू बन गई है, रहने लगी, और ये इंद्रिय स्वादों का रसिया इसी में भूल भुलैया में फंसा है, और तू इसके साथ बनी है। तेरा तो कोई भोजन भी है नहीं ना, तू ये प्रयोग करती फिर क्यों उसके साथ रहे। देखो समझाती है कि कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रात भुलानी, इन संग रात भुलानी, सुरती तू दुखी इंद्रियों का इसका कुल परिवार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट ये इसका व्यवहार है। तू इसके परिवार से तेरा क्या संबंध है? तू तो न काम का न क्रोध लोभ का किसी का प्रयोग नहीं करती, और कहते इन संग राहत भुलानी, इनके संग रहकर तू अपनी असलियत को, अपने सच्चे उद्धाम मुकाम मंडल को भूल गई, जहाँ दुख नाम की चीज नहीं है, आनंद ही आनंद है और सुख ही सुख है, वहाँ किसी तरह का कोई क्लेश नहीं है। क्या कह रहे हैं कि तू चेतन ये है जग जड़ मिथ्या, तू चेतन ये जग जड़ मिथ्या, महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं, ये जीवात्मा तू तो चेतन है और ये जग जड़ है, मिथ्या झूठ है, नाशवान है। तेरा यहाँ पर यानी मतलब कैसे मेल मिलाप हो गया, पर क्यों कर मेल मिला नहीं, तेरा इसमें क्या मिलान है? तू चेतन वो जड़ है, तेरा मेल ही कहाँ है? आखिरकार तू फंसी क्यों है? किता ते चेत चलो ये अवसर, किता ते चेत चलो ये अवसर, क्यों भर मौत मुखानी, क्यों भर मौत मुखानी, सुरती तू दुखी कहते रहे पीछे जा होश आ जाए। चलिए अवसर बार बार मनुष्य मंदिर कर रही है, फिर किसी अन्य 83,99,999 योनिया जो भोगों की उसमें चली जाएगी, फिर तुझको कभी जगने का मौका नहीं है। इसलिए चेत जा, ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें तुझको पूरा अधिकार, तू अपने घर जा सकती है। क्यों भरमो तुम, क्यों फिर बार बार उन्हीं योनियों में जाने की? तो ये जो कर्म मन करता रहेगा इसके साथ तो बस पड़ी रहेगी। जा 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 होश में आ जा। कि सत्संग करो सात पद खोजो, सत्संग करो सात पद खोजो, तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तू दुखी रहे हम जानी। इसलिए सत्संग बच्चों का को पकड़, ये सत्य देव से
तुझे सत्य देव सत्य लोग सत्कर्म पहुंचाने वाले वचन है, इनको इनकी खोज कर और अपने सत्य लोग पद की तरफ चल दे। तेरा ये घर नहीं है तो काल माया का घर, और सदगुरु प्रीति समाज और सदगुरु दयाल जो जिसको लेने के लिए आए हैं उनसे तो इनकार, उन पर विश्वास कर, तेरा ये सब काम कर देंगे, तो इसी काम के लिए आए ही। कि नाम रतन गुरुदेव बुझाई, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी, सुरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे नंदन तो मोलधन गुरु के पास है, चल उनसे पूछ ले, ले ले तेरा काम बन जाएगा, और उलट यानी इधर से उधर की तरफ चल, वो तेरा देश उधर इधर नहीं है, इधर काल माया का देश उधर तेरा सतलोक सत्संग है, तो उस आसमान को पार करके जा। क्या कह रहे हैं, कितना काम करो तुम अब की, करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी, फिर आगे की सतगुरु जानी, सुरती तो सुखी रहे हम जानी, सुरती तो कितना काम तू कर ले, कितना की नाम ले ले, नाम दान ले ले और घाट पर बैठ के नाम की कमाई से अपने गुजरा, बस चल दे, इतना काम तुझे करना है, बाकी उस तरफ ले जाने पहुंचाने का काम सदगुरु दयाल का वो करेगा, लेकिन इतना काम तुमको करना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं कराया जाएगा तो किसी ने कर देगा तो तुम उसको फिर नहीं रख पाओगे। यही कारण कि नाम दान अगर तपस्या करा के त्याग करा के घर गृहस्थी परिवार छुड़ा के दिया गया होता तो तुम लोग कदर करते, ये भोकट का माल मिला है, जबकि यह माना ये चलो क्या, कौन पैसे पड़ेगा, कौन कुछ हमको देना देना पड़ा, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम जिसकी ये पकड़ है वो कितना सख्त है, तो इस नाम के जाल तुमको निकलने ही नहीं देगा। कहा था हमको चाहे जितनी स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, चाहे जैसी गरीबी बदनामी बीमारी कुछ भी देनी पड़े, कोई भी स्थिति बनानी पड़े मैं भजन करा दूंगा, मैंने नाम दान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया है, सतगुरु दयाल के पूरे वचनों को पकड़ के रखना चाहिए। आगे क्या करें कि सतगुरु स्वामी की कहन संभारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभारो, स्वामी की जो कहन जो वचन है आपको जो हिदायत दिया गया उसको मानो, और तुमको अपने सच्चे सुख धाम आनंद धाम मतलब यानी वहां पर जाने का मौका मिल जाएगा, उसकी निशानी बता रहे वो मिलेगा तुझको। इस नाम दान दे संसार काम क्रोध लोभ मोह की पूर्ति नहीं होगी, कहते सुख की मिले निशानी जहाँ वो मतलब यानी शाश्वत सुख शाश्वत आनंद जो कभी नष्ट नहीं होता है,
कहते वो मिले वहां की ये निशानी माने संकेत की निशाना आपको बताया जाएगा। तो उधर इधर नहीं उधर देखा सर समझा करके आपके सामने रखा गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कितना कुछ आया कुछ सब कहा था ये काम जीव का कौन करेगा कैसे सत्संग करेगा। स्वामी महाराज ने क्या कहा था, कहा सत्संग ही तुमको जगाएगा, सत्संग तुमको चिताएगा, होश में ले आएगा, सत्संग पाप पुण्य की पहचान कराएगा, सत्संग तुमको उधर की तरफ मोड़ के खड़ा करेगा, सत्संग ले जाएगा, सत्संग ही मिलाएगा। इसने कहा गोस्वामी महाराज ने लिख के राम से दुआ कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि सठ सुधराई सतसंगति पाई और पर सपर सी कुधा तो सुहाई। बिना संतों के वचनों के बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं आता है, सच्चाई की अच्छाई की निरख परत पहचान नहीं आती, सूझ नहीं। इसलिए गोस्वामी महाराज क्या थे कि धन्य घड़ी ईश्वरी जब सतसंगा और धन्य जान तुझ भक्ति अभंगा। कहते मानो उसका मानो जीवन सार्थक है जिसको मौजूदा संत महापुरुषों के वचन सत्य में देखिए बड़ी चीज कि धन्य घड़ी ईश्वरी जब सतसंगा और धन्य जान में तुझ भक्ति अभंगा। तो मानव जीवन की घड़ियां धन्य है जिनमें आपको सत्संग कर लेगा। आज ये तुम्हारी पुण्य कर्मों की घड़ी है, कुछ पुण्य कर्मों का भाग्य बना दिया जगा दिया तो आप यहाँ आ गए हो। क्यों कि पुण्य पूज्य बिन मिले ना संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। अब भरोसे मुई भानु मनता और बिन हारी कृपा हा मिले नहीं संता। ये सब लिख दिया गया कि हरि तुम्हारे पर कितनी कृपा करेगा कि संतों के पास पहुंचाएगा, और हरि कुछ नहीं कर रहे उसके हाथ में और कोई पावर नहीं, केवल संत महापुरुषों के पास पहुंचा देगा कि जाओ उनसे नाम कीर्ति ले लो और नाम की कमाई करके अपनी विवाद मंगो जगाओ और अपने घर जाओ, अपने घर चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं। ये सहयोग करेंगे हरि करेगा, उसका इतना काम है सर, लेकिन तुम कुछ नहीं समझ पाए। आगे क्या कह रहे हैं गोस्वामी कि राम कथा के वे अधिकारी और जिनको तात इस संगति आती प्यारी। राम कथा कृष्ण कथा हरि कथा ये सुनाने का सुनने का अधिकार किसको है, जिसको सत्संग प्यारी है। ये सुनाने वाले बेचारे सत्संग जानते इनको क्या पता। पार्वती ने भगवान शंकर से यही पूछा था कि भगवान ये बताओ सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा, मैं मंदिर में जाऊं कि तीर्थों में जाऊं कि व्रत करूं पूजा पाठ हवन जब तबियत करूं कि गंगा स्नान करूं, मुझे सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा। भगवान शंकर पार्वती के विशेष आग्रह पर कहा पार्वती अगर तुम सच्चा लाभ चाहती हो तो मेरी बात मान लो, तुम संतों के समागम में चली जाओ। संतों क्या कहा है देखो कितना साफ साफ गोस्वामी महाराज लिख के बता रहे कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन
और ये न मिले बिन हरि के पास जो गावत वेद पुराण। ए पार्वती अगर सच्चा राग चाहती हो तो संतों के समागम में चली जाओ। संत सत्य की चर्चा करते हैं, मृत लोक में जीवात्मा सत्य है और सत्य लोक में परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ का मसाला है, सब फंसाने वाले हैं तुमको। कहा तुम संतों के समागम में चली जाओ। ये पार्वती को आदेश दिया था भगवान ने। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो शंकर जी के आदेश का पालन कर रहे हैं, सत्संग में आए हो रहे हैं। ऐसा नहीं एक समय के लिए नहीं, हर समय के लिए संदेश तीनों काल में और चारों युगों में यह समय का लागू रहता है, यह कभी खत्म नहीं होता है। तुम्हारे न मानने पर तो क्या शिक्षा खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं। और क्या कहा गोस्वामी जी महाराज, जो ऐसे संत सदगुरु का सत्संग पाकर सत्संग की गंगा में नहाकर अपने पाप पुण्य कर्मों की गंदगी को नहीं हटा पाए वो इंसान कैसे है कलयुग में? कि जिन ये न मान सत्ते कायर कलिकाल भिगो, जिन्होंने सत्संग रूपी सत्ता के जल को पाकर अपने पाप पुण्य कर्मों की गंदगी नहीं हटा पाए गोस्वामी महाराज लिखते हैं वो इंसान कायर है और इस पृथ्वी पर कलयुग में भार रूप है, केवल भार बन के रह रहा है। कितना सत्य संदेश महापुरुषों का ने किया। कहा सत्संग की अपार महिमा है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। क्या लिखते हैं कि तात वर्ग अपवर्ग सुख इधर ही तुलाए के अंग और तुलन का ही से चल मिली जो सुख ले सत्संग। तराजू के दो पल्ले होते, कहा एक पल्ले पर संसार शरीर के सारे सुखों को चढ़ा दो लेकिन सत्संग का पल्ला फिर भी भारी रहता। प्रेमियों संसार में शरीर के सात सुख, प्रथम सुख हो निरोगी काया, दूसर सुख हो घर में माया, तीसर सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर भाषा, सप्तम सुख हो सुंदर पासा और सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर नंचन बहुत। ये सात सुख है शरीर संसार में शरीर के लिए, लेकिन तुम्हारे पास पहले ही सुख नहीं है। कहते प्रथम सुख निरोगी काया और यहाँ सब रोगी, कोई न कोई रोग सबको सताए है। गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले सूचना दे रहे हैं भीषण कलकाल आएगा, मानव का खान पान खराब हो जाएगा। तो कहा उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको कोई बीमारी न हो। उन्होंने पहले लिख दिया है कि मानस रोग कछु घम गाए हैं, सबके लक्ष्य निर्मित पाए, सबके सबको मनसा रोग सका रहा है। शरीर की बीमारी तो है ही और सबसे बड़ी बीमारी मानसिक रोग, जो काम करो दुलो मोहंकार ईर्षा रात द्वेष तुमको रात दिन पीछे डाल देगा, पीछे डाल देगा, अब तुम कुछ नहीं कर पाते। इन सब रोगों की दवाई शाकाहारी हो जो बड़े एक दवा महापुरुषों ने बना दी। साकार में सब की जाती, अभी तो मोटी मोटी बताएंगे तुमको, क्या झूठ बोलना साकार में आता, सर कपट धोखा देना साकार में आता, पराय स्त्री पराय धन क्या साकार में आता, बीड़ी तम्बाकू क्या साकार। अरे बहुत बड़ा विस्तार है साकार का, अभी मोटा मोटा सुनाया जा रहा कि मुर्दा मांस और बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग है, जिसको पीने के बाद बुद्धि में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती, ऐसे बुद्धि नाशक नशे को मना किया जा रहा। और ये मांसाहार जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं इसको रोका जा रहा। नहीं शाकाहार में तो मांसाहार में क्या क्या, अरे मुर्दा मांस नहीं जिंदा मांस भी हानिकारक है। तुम्हारा संबंध जो शरीरों से पति पत्नी का जो मांस से ही तो संबंध है, ये भी तुम जिंदा मांसाहारी हो।
तेरे सलमान साहब का बहुत बड़ा अर्थ है। अभी तो केवल आपको मोटा मोटा बताया जा रहा है, लेकिन जब मनसा अर्थ में सिखा दिया जाएगा तो एकदम पाठ सब निर्मल पवित्र हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा, न काम न क्रोध न लोभ न मोह। तो अभी तो शुरुआत हुई है किसी की भी, और इसलिए महापुरुष ने चैलेंज भी किया है, मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा। ये काम कोई के चलो इतना काम ले लो आप, यह काम कोई राजा प्रजा के सेक्टर को, लेकिन गुरु ने क्या, मैं सबको शाकाहारी बनाऊंगा और सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर सब जीवात्माओं के इनके घर पहुंचाऊंगा। ये काम किसके पास था? तुमने काम की बात नहीं सोची और काम में और स्वार्थ लोभ लालच में फंस के चले गए, तो आपने बोला छोटा मोटा नुकसान किया। इसलिए कहा कि सतगुरु का शोषण ये ज्ञान की गंगा है, अज्ञानता को हर लेती है, ये पाप और कलुषित विचारों से भी आपको अलग कर देती है, ऐसा है। लेकिन इसका असर धीरे धीरे, इसलिए कहा गया था ये सत्य संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ।